है ना, कि कहीं पे भी आपको ये दिया हुआ है कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका मतलब है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, किसी चीज को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होगा यही चीज होती है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स जो होता है दिस इज नोन एज ए, डी वाई बाई डी एक्स का एक नाम है, डी वाई बाई डी एक्स इज नोन एज ए डेरिवेटिव ऑफ वाई, किसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, या डिफरेंशियल कोफिशियंट, या इसी को वी कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल कोफिशियंट। है ना, कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दोनों चीजें बेसिकली आपकी एक ही है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, और इसी को फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसमें कुछ मैंने फॉर्मुला बताए थे, मेनली लास्ट क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मुला बताया था कि कहीं पर भी अगर वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन हो तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स होता है ये आपका होता है एन एक्स एन माइनस वन, है ना, कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है nx n माइनस 1 होता है ना, इसमें n कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू पावर सपोज मैंने 3 लिख दिया तो इसका dy बाई dx एज पर फॉर्मूला 3x 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहीं पे मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू x है तो x की पावर 1 होती है ना, तो इससे dy बाई dx की वैल्यू जो होगी वो 1x 1 माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स एक्स की पावर जीरो हो जाएगा मीन्स वन हो जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो वन होता है, ये आपको याद रखना है ना, याद सिर्फ एक ही रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, बाकी सारी चीज़ें तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और एक और मैंने बोला था कि कहीं पे भी अगर वाई की पावर वन बाई एक्स है इसका मतलब एक्स की पावर माइनस एक्स है, तो जब इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आप लिखोगे माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन, मीन्स माइनस एक्स का माइनस टू हो जाएगा, मीन्स ये आपका हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना, तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव भी आप याद रखना कि वन बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये तो जस्ट लास्ट क्लास से मैंने यही बताया था, और कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो कि आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं है ना, तो वो फॉर्मूला आप एक बार देख लेना। मेन फॉर्मूला तो यही था कि वाई इक्वल टू अगर एक्स की पावर एन है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो एन एक्स एन माइनस वन होता है, है ना, इसके अलावा बाकी फॉर्मूले भी होते हैं तो वो लिस्ट एक आपकी है वो आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगी, वो मॉड्यूल में भी लिस्ट बनी हुई है, तो बस मेमोराइज करना है आपने, है ना। तो ये लास्ट क्लास का थोड़ा सा आपका रिकैप था, है ना। आज हम इसी को फर्दर पढ़ते हैं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, कि थोड़ा सा आप इसको लिख लो पहले, थोड़ा सा जो जिन्होंने नई लास्ट क्लास अटेंड की है दे कैन जस्ट राइट इट, बस क्लास में रेगुलर रहना बेटा, क्लास कभी मिस मत करो। ओके, यहां से आते हैं, ठीक है, तो ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी इसमें, जस्ट आपने इसको डिफाइन किया, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था, आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। है ना, कि भाई डिफरेंशिएशन जो है ये किस रूल के ऊपर बेस्ड होता है, वी कॉल्ड एज ए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, है ना। तो रूल्स में सबसे पहला रूल तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, कोई चेंज ही तो डिफरेंशिएशन मेजर करता है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा,
लेकिन अगर कोई कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड है, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएट होता है ना। कि अगर कांस्टेंट टाइम ऑफ कोई फंक्शन है यू, है ना, इसमें यू एंड वी दोनों जो हम यूज करेंगे इज ए फंक्शन, कि फंक्शन या वेरिएबल होंगे कोई, तो कांस्टेंट टाइम ऑफ डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। थर्ड हम आ जाएंगे, अगर कहीं पे सम या सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, तो इसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं du बाई डी एक्स प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा du बाई डी एक्स, है ना। फोर्थ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना, कि दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होगा, या पहले आपका हम यहाँ पे लेते हैं चेन रूल, कि जो dy बाई डी एक्स होगा इसको हम स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज योर dy वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, दिस रूल इज सिंपली नोन एज ए चेन रूल, है ना। और इसके बाद फिफ्थ आ जाएगा, वी कॉल इट एज ए प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट को आपको डिफ्रेंशिएट करना है यू एंड वी के, तो जस्ट हम ये यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस आपका सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा, दिस इज सिंपली नोन एज ए प्रोडक्ट रूल। ऐसे सिक्स आपका जो होता है ना, इसको ही हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, है ना। सिक्स आपका आ जाएगा क्वोशिएंट या डिवीजन रूल, कि अगर दो फंक्शन के डिवीजन को आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये आपका होता है सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, है ना। दिस इज सिंपली नोन एज ए योर डिवीजन या क्वोशिएंट रूल। ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा आज, दिस इज नोन एज ए डिवीजन और क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, है ना। तो ये सिक्स रूल है किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने के, देयर इज अ सिक्स रूल्स, है ना। इसी के ऊपर सारे कुछ चीजें क्या है बेसिकली आपकी बेस्ड है, है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसी के बारे में जैसे लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ना, कांस्टेंट का जीरो होता है, कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, और अगर यू प्लस वी के टर्म्स में हो तो इसकी स्प्लिट करके लिख सकते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास मेनली जो हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड थे, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ना वो इसी के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि इसके ऊपर बेस्ड अगर एक और क्वेश्चन मैं रिवाइज करवाना चाहूँ आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, इसी कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड होगा, अगर मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूँ आपको, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कोई, उससे फर्स्ट थ्री रूल को थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई देख रहा हूँ क्वेश्चंस में, लेट मी सर्च द क्वेश्चन। हाँ, ये सही क्वेश्चन है कि भाई कोई फंक्शन एज फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है, कि एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो कोई फंक्शन आपको ऐसा दिया हुआ है वाई स्क्वल टू एक्स टू द पावर फोर, ये आपके मॉडल का क्वेश्चन है, माइनस टू साइन एक्स, है ना, प्लस थ्री कॉस एक्स, ये आपका कोई फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है कि फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, है ना। आप इजली फाइंड आउट कर दोगे, लेकिन आप इसको अभी कैलकुलेट मत करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब मैं इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालूंगा ना, तो इसको सबको स्प्लिट कर दूंगा, कि जैसे एक्स टू द पावर फोर अलग से डिफरेंशिएट होगा, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर, माइनस टू तो कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, प्लस आपका थ्री तो कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। तो जस्ट मैंने ये दोनों रूल लगा लिए ना, थर्ड एंड सेकेंड,
कांस्टेंट को बाहर ले लिया, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। कांस्टेंट थ्री बाहर आ गया, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, और सिंपल स्प्लिट करके सारे ऐड हो गए। अब हम यूज करते हैं, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स की पावर फोर, तो पहला एक्स की पावर फोर का हो जाएगा फोर एक्स फोर माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन होता है। मैंने फॉर्मूला में लिखाया था कि साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, तो माइनस टू कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो सकता है, तो माइनस थ्री साइन एक्स हो गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपका हो गया फोर एक्स की पावर क्यूब माइनस टू कॉस एक्स एंड माइनस थ्री साइन एक्स, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, है ना। दिस देयर कंप्लीट आंसर, है ना, कि अगर ये कोई फंक्शन है तो एज पर फॉर्मूला ये इसका डेरिवेटिव होगा। एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है, आप लिस्ट में देखोगे तो आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया। तो इस फर्स्ट थ्री रूल इसी तरह से अप्लाई करते हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं चेन रूल के ऊपर, है ना, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, है ना। नेक्स्ट जो चीज हम इसे पढ़ते हैं, वी स्टडी चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, है ना। तो उसको हम करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चेन रूल थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना होता है, वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। नेक्स्ट चीज हम आ जाते हैं यहाँ पे, वी कैन टॉक अबाउट द चेन रूल, है ना। चेन रूल को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं हम। तो जो फोर्थ रूल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर चेन रूल, चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे अगर फॉर्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन किसी ने आपसे बोला नहीं डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को, डिफरेंशिएट दिस, कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर कहीं पे डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को, है ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, है ना। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, है ना, कि पहले हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम u लेट कर देंगे, लेट u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपने लेट कर लिया कि जो ए एक्स प्लस बी है वो u के इक्वल है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका साइन u आ जाएगा, है ना, कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की जगह ए एक्स प्लस बी की जगह पे साइन u पुट कर दिया, अब सही है। जैसे y साइन x का cos x होता है, साइन u का cos u हो जाएगा, लेकिन अब y u का फंक्शन हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy by du, है ना। y अगर u का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करके dy by du आएगा, तो dy by du सिंपल cos u हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको निकालना तो dy by dx था, कि अगर y एज ए x प्लस बी आपको दिया हुआ है तो आपको निकालना dy by dx था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस चीज को आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसको भी डिफरेंशिएट कर लो, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो यू यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। अब आप ध्यान रखना मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, ए तो कॉन्स्टेंट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा, अलग अलग कर लिया मैंने। अब आपको होता है एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है, तो यहाँ पे ए बच गया, और ये तो सिर्फ कॉन्स्टेंट है ना, जब कॉन्स्टेंट के साथ कोई वेरिएबल एक्स मल्टीप्लाइड नहीं होगा तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो आप देखो यहां से dy by du cos u आ गया, है ना, और यहां से जो du by dx है इसकी वैल्यू a आ गई। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कि दोनों को मल्टीप्लाई करके dy by dx आ जाएगा ना। जब मैं LHS साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से आ जाएगा dy by du into du by dx, और जब RHS साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a cos u आ जाएगा। यहां से डीओ डीओ तो कैंसिल हो गया, यहां से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये आपका आ गया ए कॉस यू, और यू की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस बी होती है, ए कॉस एक्स प्लस बी आ गया, ये अल्टीमेटली आ गया, है ना। तो दिस इज योर अल्टीमेटली आंसर, है ना, कि कहीं भी अगर वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ये दिया है, है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगी,
हाँ, तो इसी को हम चेन रूल बोलते हैं कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं हो रही है ना, उसको हम चेन रूल से कर सकते हैं, है ना, कि वाई इज इक्वल टू अगर साइन ए एक्स प्लस बी है तो सबसे पहले आपने यू लेट कर दिया, तो ये आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, जो लेट किया था उसको डिफ्रेंशिएट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, तो वही फर्क पड़ गया कि साइन ए एक्स प्लस बी तो कॉस में कन्वर्ट हो गई और यहाँ बाहर ए मल्टीप्लाइड हो गया, तो इसी को चेन रूल या सब्सटीट्यूशन मैथड हम बोलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान, लेकिन ये उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है ना, कि चेन रूल या सब्सटीट्यूशन मैथड जो है इसको नहीं यूज करके इसका थोड़ा सा हम इस शॉर्टकट मैथड यूज कर लेते हैं, है ना, कि इसका एक सिंपल मैथड आप यूज कर लो, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने ऐसा होता है तो एक कंसेप्चुअली चीज समझा दी मैंने, अदरवाइज जो सिंपल मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड रूल, इनसाइड आउटसाइड रूल, है ना, चेन रूल का ये सिंपल मेथड है। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना कि मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को, है ना, तो जो इसमें ब्रैकेट के अंदर चीज होती है इसको हम बोलते हैं इनसाइड फंक्शन, ये आपका क्या होता है इनसाइड फंक्शन, और जो ये साइन है इसको हम बोलते हैं आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, है ना। तो सिंपल सा, जब डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों फंक्शन हो तो ये जो सिंपल वही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लिखेंगे दिस इज द सिंपल, ये इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, है ना, भाई जो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे हम, जो कि ये डीवाई बाई डी यू था, और इनसाइड को डेरिवेटिव करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैं अगर मुझे इसका सीधे आंसर चाहिए तो मैं लिखूंगा आउटसाइड तो साइन है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कॉस एक्स प्लस बी, है ना, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन हो गया, है ना। और इनसाइड मीन्स ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी आपने पढ़ा कि जब मैं ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करूंगा तो बी का तो जीरो हो जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसे, है ना। तो सिंपल सा, जब भी दो फंक्शन होते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड इंटू क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका ये आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, बस हो गया, है ना। तो ये इनसाइड आउटसाइड से भी कर सकते हैं, या आप सिंपल ऐसा सोच लो कि जब भी ऐसा मैं अगर x की जगह पे कुछ और दिया हुआ है, जैसे x अगर है तब तो cos x हो गया, लेकिन x की जगह पे अगर कुछ और दिया हुआ है आपको, तो आप क्या कर रहे हो कि sin x की को सिंपली आप इसमें कन्वर्ट कर ले हो cos x plus b में, और जो अंदर दिया हुआ है सारी चीजें x की जगह पे उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो इसको याद रखने के लिए हम इसको कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड इंटू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, है ना। तो इसी को चेन रूल हम बोलते हैं। तो ये मेथड यू वी वाला ईयरली हम यूज करते हैं, ज्यादातर आप इसी को यूज करोगे, है ना, दैट इज योर इनसाइड एंड आउटसाइड रूल, है ना, कि दो फंक्शन होंगे, एक आउटसाइड होगा एक इनसाइड होगा, तो पहले आप आउटसाइड को डिफ्रेंशिएट करो, फिर अंदर वाले को करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, है ना। ये हम तब यूज करते हैं जब कुछ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो किसी चीज का, तो उसके लिए ये रूल हम यूज करते हैं, है ना। क्या माना है? आपका जगह इस तरह से, तो इसको लिख लो, फिर मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये आपका आ गया सर।
जैसे को हम बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड रूल, है ना। मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में भी, इसके बहुत सारे एग्जांपल अभी लेंगे, है ना, इसके और भी एग्जांपल समझेंगे। तो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये तो साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, एक और एग्जांपल अगर मैं लू इसका सब्सटीट्यूशन या चेन मेथड के ऊपर, तो आई कैन टेक दिस, कोई भी हो सकता है, सब्सटीट्यूशन या चेन मेथड लॉ के टर्म्स में भी आ सकता है वो, ये आपका। तो एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, तो मैं जस्ट ऐसा बोल सकता हूं कि आप डिफ्रेंशिएट करो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अंडर रूट था इसको हाफ लिख लूंगा, ax प्लस बी का हाफ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें ये जो चीज होगी ax प्लस बी, ये तो इनसाइड हो जाएगी, एंड आउटसाइड जो होगा ये पावर हो जाएगा, हाँ, कि जो उसके ऊपर पावर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। मतलब जो भी एक्स की जगह पे चीज आती है वो इनसाइड फंक्शन होती है, जो उसका पावर हाफ होगा वो आउटसाइड हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एज अ सेकंड एग्जांपल हम इसको अगर ले लें, तो इसको जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, तो मैं लिखूंगा हाफ ए एक्स प्लस बी हाफ माइनस वन, है ना। कि जो भी चीज एक्स की जगह पे आई थी तो पावर रूल मैंने लगा दी एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये तो हुआ डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, ये तो जस्ट हो गया कि जो पावर था उसको आपने डिफरेंशिएट किया, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन से, तो इनसाइड फंक्शन यहाँ पे एक्स प्लस बी है, तो अभी आपने पढ़ा एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, है ना, कि एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि बी तो जीरो हो जाएगा, एक्स का वन होगा तो ए बच जाएगा, तो आपका आ गया। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया ए बाई टू इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस हाफ, और इस माइनस हाफ को हम नीचे ले गए, तो ए बाई टू इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर प्लस हाफ हो गया, और ए एक्स प्लस बी का प्लस हाफ का मतलब हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव जस्ट आप कही आ गया टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। तो कोई भी इस तरह का फंक्शन जिसमें एक्स की जगह पे कुछ और चीज दी हुई है, है ना, उसको हम इनसाइड आउटसाइड से कर सकते हैं, कि पहले मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया, फिर अंदर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये होता है इनसाइड आउटसाइड रूल, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं थर्ड ले लूँ एक एग्जांपल, तो आई कैन टेक लॉग, है ना, लेट वाई इज इक्वल टू एल एन ए एक्स प्लस बी, तो इसमें एल एन जो है वो आउटसाइड है, एक्स प्लस बी इनसाइड है। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स जो होता है, लॉग एक्स जो होता है, ये वन बाई एक्स होता है। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस बी आया था, तो वन बाई एक्स प्लस बी हो जाएगा, है ना। कि जो भी चीज़ एक्स की जगह पे आई थी, लॉग एक्स का अगर वन बाई एक्स होता है तो इसका वन बाई एक्स प्लस बी हो जाएगा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अंदर वाली चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आ गया ए बाई ए एक्स प्लस, है ना। फोर्थ में हम ऐसा ले सकते हैं, सब चीजें सेम है, कि y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है e की पावर ax प्लस बी, तो यहाँ पे e जो है वो आउटसाइड है, ax प्लस बी इनसाइड है। तो आपने पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x जो होता है ये सेम रहता है, तो यहाँ से d बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, e की पावर ax प्लस बी हो जाएगी, और जब इनसाइड इस पावर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये इंटू ए हो जाएगा, b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका ये आ गया ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते, तो सब में ये तो हो रहा है कि ए मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, बाकी एज यूजुअल जो हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं वैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, है ना। दिस इज सिंपली नोन एज ए चेन, है ना। तो लिख लो आप,
तो इसी को हम बोलते हैं चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक तो मैंने फंडामेंटल मेथड आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे करते हैं, फिर मैंने शॉर्टकट बता दिया कि इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सब में यही तो किया हमने, ये पावर था तो पावर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर एक्स प्लस बी का सेम ही रहता है, पावर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, यही करना है आपको, है ना। इसी को हम बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड रूल, है ना। तो ये आप आ जाएगा, तो ये आपका हो गया फोर्थ रूल, है ना। फोर्थ के बाद हम आ जाते हैं जो आपका फिफ्थ रूल है ना। आज रूल्स हम सारे पढ़ लेंगे सो दैट आप डिफरेंशिएट सारे कर पाओ। है ना, इसके बाद हम आ जाते हैं जो आपका फिफ्थ रूल है, दैट इज योर है ना। इसके बाद फिफ्थ रूल पे आ जाते हैं हम, इसमें दैट इज योर प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है ना, कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है, एक यू है दूसरा वी है, तो प्रोडक्ट रूल समझने से ही होता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये याद करना एकदम आसान है, थोड़ा सा डिवीजन रूल टफ है। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे मैंने बोला कहीं पे आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स साइन एक्स के प्रोडक्ट को, एक फंक्शन एक्स है दूसरा साइन एक्स है, तो एक को आप यू ले लो एक को आप वी ले लो और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड तो साइन एक्स है, सेकंड फंक्शन को आप ऐसे लिख दो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स है ना, कि जहां जहां फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स है, साइन एक्स की जगह पे यहां पे कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस ये साइन एक्स हो गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, है ना, कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। मैंने बताया कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया कि दिस इज द एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल है कि दो फंक्शन का जहाँ पे भी प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, है ना। सिक्स में हम आ जाते हैं डिविजन या कोशेंट रूल, है ना, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है डिविजन और क्वाशियंट रूल, है ना। कहीं पे अगर आपको ऐसा दे गया कि डिफरेंशिएट करो इस चीज को d by dx ऑफ साइन x by x को, तो ये दो फंक्शन का डिविजन है ना। तो आपका जो फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ बाद में क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, कि आपका जो फॉर्मूला होता है डिविजन रूल का वो जस्ट आपका ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन डेरेटिव ऑफ फर्स्ट, यहां माइनस साइन आता है, फर्स्ट फंक्शन डेरेटिव ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट, किसी ने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स को करो आप, तो सही है, इसमें एक को हम यू ले लेंगे दूसरे को वी ले लेंगे, यहां पर साइन एक्स यू हो गया और एक्स क्या हो गया वी हो गया, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो v की जगह पे x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस u आ गया डेरिवेटिव ऑफ x बाई v स्क्वायर, v जो है आपका वो x है तो x स्क्वायर आ गया। तो यहां से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ गया साइन x का cos x आ जाएगा, माइनस यहां पे साइन x आ गया x का वन हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, कि एक्स तो ऐसे छूट गया, साइन का कॉस होता है फॉर्मूला होता है, साइन ऐसे छूट गया एक्स का वन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया, फिर डिफरेंशिएट अपने कर लिए। तो यही सिक्स रूल है डेरिवेटिव निकालने के, है ना, जिसको कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी न्यूमेरिकल होंगे स्टार्टिंग में इसी के ऊपर बेस्ड होंगे आपके, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें, है ना। तो ये सारा लिख लो थोड़ा सा,
है ना, तो ये जस्ट थोड़ा सा आप इसको लिख लो, दिस आर द सिक्स रूल्स जो कि मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन देना चाहूँ उसके बेसिस पे, तो आई कैन गिव दीज टू क्वेश्चंस। तो आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जो क्वेश्चन का आंसर आ जाए मुझे मैसेज करो। ओके, थोड़ा सर्च करने में टाइम लगेगा। हाँ नहीं, कर लेते हैं। हाँ ये तो था। ये तो लास्ट क्लास में हमने किया था है ना, कि लास्ट क्लास में दिस क्वेश्चन वी हैव डन। सही पे सही नहीं आता ये, अभी करता हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ। हाँ ये कर लो थोड़ा सा सॉल्व है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा सा ये ब्लर्ड आई है इमेज, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स, एंड दूसरा है वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, और ये है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। हाँ जस्ट डिफरेंशिएट, पहले फर्स्ट करो फिर सेकेंड करना, और जब कोई रूल जरूरत नहीं है तो सिंपल कर लो। जैसे पहले क्वेश्चन में कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप रूट एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। तो कोई प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं इसको, तो सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ एक्स की पावर थ्री बाई टू, तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाए है ना। तो इसका आंसर आप मुझे मत भेजना, जब आपका हो जाए तो मुझे डन करके भेज दो ऑल थ्री क्वेश्चन। है ना, जब आपके तीनों क्वेश्चंस हो जाएं तो जस्ट मुझे डन करके मैसेज कर दो, देन आई विल एक्सप्लेनिंग यू। ओके अश्मिता डन, नव्या डन, ओके बाकी लोग सब लोग ट्राई करो।
ओके मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस। वाह यार बड़ा तेज कर रहे हो आप लोग तो, है ना। आयुष कुमार, रितिका, दिवस्मिता, राहुल, डन। ओके है ना, सही है ना। तो आई विल बी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैं जैसे पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान है, मैं इसने इसलिए बोला है कि स्टूडेंट क्या है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने लगते हैं, तो जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका जस्ट ये है, y इक्वल टू x की पावर हाफ माइनस x की पावर 3/2, क्योंकि x और रूट x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा हाफ x हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 x 3/2 माइनस 1, है ना। तो ये जो चीज आएगी ये x की पावर माइनस हाफ आ जाएगी, तो ये 1/2 रूट x आ जाएगी, माइनस यहाँ पे आपका ये हाफ आ जाएगा, तो ये 3/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर ये सही है ना, कि जस्ट सिंपल मेथड से लगाएंगे तो ये आपका जाएगा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें यू विल हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, दोनों में इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन एक्स और लॉग एक्स का प्रोडक्ट है। जब सेकेंड में करूंगा तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ x log x, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस आपका होता है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। तो x log x का डेरिवेटिव 1/x होता है प्लस log x आ गया, x का 1 होता है तो x का x कैंसिल हो गया, सेकंड का 1 प्लस ln x कैंसिल, है ना। log को ही ln लिखते हैं इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल किसी बिना एडिशनल रूल के ही हो गया, सेकंड में आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट था। थर्ड भी प्रोडक्ट रूल है, एक आपका u है दूसरा v है, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, तो मैं लिखूंगा e टू द x स्क्वायर ex का ex ही हो जाएगा, मेंटली कर लेता हूं मैं इसे, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा अलग अलग। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ex का तो ex ही होगा, सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये आपको हैबिट में होना चाहिए, है ना, कि आपने फर्स्ट फंक्शन लिखा ex का तो ex ही होता है, सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो यहाँ से आप ex कॉमन ले लो, ex एंड x, यहाँ पे आपका एक x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो 3 आंसर्स थे, है ना। तो होप कि आपके करेक्ट होंगे, जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन पे भी आएंगे, वी विल कम टू द सब्स्टिट्यूशन आल्सो। तो दिस वे वी कैन सॉल्व, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको देता हूँ, है ना, जो कि आप ए बी सी डी करके मुझे आंसर भेज सकते हो उसका, है ना। अदरवाइज तो मुझे ऐसे इतना लंबा आंसर आप सेंड नहीं कर पाओगे ना, तो ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, ये हम आ जाते हैं इस तरह से। तो नाउ आई विल गिव फ्यू ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन दिस। हाँ, यहां पे आ गए क्वेश्चंस। ओके, ये सही है ना।
इसको डिफ्रेंशिएट करके कौन सा आंसर आएगा मुझे बताना है। सब क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, है जो भी क्वेश्चन आएंगे फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। हाँ हिना परवीन योर आंसर इज करेक्ट, सही है, एकदम फटाफट आंसर आ जाएंगे, कोई मुश्किल चीज थोड़ी होती है। हाँ नव्या सही है, अश्मिता सही है, राहुल सही है, और ये फिजिक्स के लिए कैलकुलस जरूरी है, कैलकुलस आना चाहिए आपको फिजिक्स के लिए। ओके सब लोगों ने अंजलि कुमारी एंड देवश्मिता सबके आंसर बी सही है ना, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर है ना, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है ना, तो जस्ट याद ही रखता है बच्चों को है ना भाई। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका जो आंसर है बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि वन बाई रूट एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो माइनस हाफ x माइनस हाफ माइनस वन, ये आपको हो जाएगा माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू है ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। जस्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया हुआ है तो उसका जो dy बाई dx होता है वो एन एक्स एन माइनस वन हो जाता है ना, तो यहाँ कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका है ना, तो इसमें तो कोई रूल यूज नहीं हुआ, जस्ट सिंपल सा ये यूज हो गया, कई क्वेश्चन में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं आपके, हिना एंड नव्या एंड राहुल योर आंसर इज करेक्ट।
किसी के पहले आंसर आ जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनका लेट आ रहा है कोई बात नहीं, आप आंसर दो, तो यहाँ पे अभी रेस नहीं चल रही, अभी तो आपको सीखना है। आयुष कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। देवस्मिता, योर आंसर इज करेक्ट। रितिका, योर आंसर इज करेक्ट। हेलो, है ना, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, नहीं प्रॉपरली इसको थोड़ा सा समझते हैं, एकदम आ जाएगा आपसे। देखो, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को, y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो मैं इसमें इनसाइड आउटसाइड यूज करूंगा, ए एक्स प्लस बी की पावर में ऊपर माइनस टू ले जाऊंगा, है ना। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इनसाइड फंक्शन तो एक्स प्लस बी है, आउटसाइड फंक्शन ये पावर है, तो मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो जस्ट यही तो लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है एक्स की जगह पे ये पूरी चीज आ गई, है ना, तो एक्स की पावर माइनस हाफ होती तो एन एक्स एन माइनस वन लगा देते, तो यहाँ पे आ गया माइनस टू इंटू एक्स प्लस बी इंटू माइनस टू माइनस वन, वही चीज है कि जैसे एक्स एक्स माइनस टू का होता माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस वन, वैसे ही एक्स की जगह पे ये पूरी चीज आ गई, तो वैसे लिख दिया हमने। लेकिन ये जो हमने किया है सिर्फ आउटसाइड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है, इसको हम इनसाइड से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो इनसाइड आपको पता ही है कि एक्स प्लस बी को मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स, इसमें ए तो बाहर आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स होगा और प्लस डी एक्स बाई डी एक्स इंटू बी हो जाएगा, तो एक्स का तो वन होता है तो ए बच जाएगा और बी का जीरो हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो ए आ जाता है। अभी आपने कई बार पढ़ा है ना, तो जस्ट पहले तो मैंने माइनस टू पावर वाला कर लिया एन एक्स एन माइनस वन इंटू इनसाइड को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है, एक ए मल्टीप्लाई भी हो गया, तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ पे पावर माइनस थ्री आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस टू ए
इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस थ्री, है ना। इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो ये ऑप्शन आ गया इसमें, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, है ना। एकदम आसान सी मैथ्स है, है ना। आपको दो चीजें तो जाननी होती है मैथ्स में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, वेक्टर एंड कैलकुलस। तो कैलकुलस हम अभी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर होगा इसके बाद। तो ये ऑप्शन आ गया आपका इसका। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ये तो ऐसे सिंपल किसी रूल के बिना ही हो जाएगा, तो फटाफट आंसर दे दो इसका। नव्या, हिना एंड राहुल, आपके आंसर सही है। अस्मिता सही है। सब लोग सॉल्व करो। रितिका सही आंसर आपका। है ना, खुशी कुमारी सही है आपका आंसर। सही है ना, मोस्टली आंसर सही दिया आपने। तो जो आपके आंसर आ रहे हैं, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी सही है ना, कि भाई कहीं पे भी अगर फंक्शन आपको ये दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस एट, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको अच्छे से ऐसा लिख दूंगा, एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस एट। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसका अगर मैं डी बाई डी एक्स ले लूं, तो अलग अलग ले लूंगा मैं, तो अब इतना कुछ सिस्टमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। हाँ आयुष कुमार, अब आपका सही है ना। आप एक्स क्यूब को लिख दोगे थ्री एक्स स्क्वायर, पावर माइनस है तो माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री माइनस वन, और एट के साथ तो एक्स है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो आ गया। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इसका, है ना, कि सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ओके
ठीक है ना, ये हम इजिली कर सकते हैं, तो इसमें कोई रूल यूज हुआ ही नहीं, सिंपल डेरिवेटिव है ये, है ना। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट मी चेक। हाँ, हिना राहुल एंड देवश्मिता, योर आंसर इज करेक्ट। नव्या सही है आपका। अंजलि सही है। हाँ, रितिका, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। खुशी, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, सही आंसर बताया आप लोगों ने। तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। है ना, एकदम आसान चीज होती है, जैसे इसमें थोड़ा सा ब्लड प्रिंटिंग है, लेकिन फिर भी सही है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर क्यू। तो इसमें साइन इज द आउटसाइड फंक्शन, x क्यूब इज द इनसाइड फंक्शन। जब मैं इसका डी बाई डीएक्स निकालूंगा तो साइन एक्स क्यूब को तो सीधे लिख दूंगा कॉस एक्स क्यूब, है ना। एक्स क्यूब पर पावर है, ध्यान रखना। थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कई बार ये अलग चीज होती है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का पूरे का पावर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पूरे का पावर स्क्वायर नहीं है, ये साइन सिर्फ एक्स की पावर क्यूब है ना। अगर साइन क्यूब एक्स लिखना होता तो उसको ऐसे लिखता है, तो उसका मतलब होता है कि साइन एक्स की पावर क्यूब। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसमें तो सिर्फ एक्स का पावर है। तो साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब एक्स क्यूब ले लेंगे हम, तो एक्स क्यूब का आपको होता है डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। ये तो करना होता है कि आउटसाइड साइन था तो साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो गया, और एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। तो अल्टीमेटली आपका सी इसमें ये वाला आंसर सही हो गया, डी ऑप्शन, है ना, कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, दोनों को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली वी कैन से। Okay, you can go for this question.
है ना, एकदम प्रैक्टिस के बाद तो फटाफट एकदम आता है इसका आंसर, इसमें कोई ऐसी मुश्किल होती ही नहीं है। हेलो, हाँ नंद जी, हाँ बहुत बढ़िया। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा। अच्छा, आपका आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं, ऑप्शन में तो आ रहा है आंसर, चेक करता हूँ मैं भी, है ना। जैसे जिन्होंने जिनका ऑप्शन मैंने करेक्ट बोला है ना, दैट इज योर, है ना, जैसे बहुत लोगों ने आंसर सही बताया था, लाइक है ना, दिवस्मिता, अस्मिता, राहुल एंड हिना, इनके आंसर मैंने सही बताए हैं, है ना। ऋतिका रानी अगर इसका आंसर है तो, है ना, लेकिन ये पहले वाला का था शायद। तो इसके आंसर को अगर मैं ट्राई करूँ तो स्टूडेंट जो आंसर बता रहे हैं वो डी सही बता रहे हैं। डी सही है मेरे ख्याल से। देखो जब आप इसको लिखोगे ना इस तरह से, वाई स्क्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव की पावर हाफ हो जाएगी, तो आउटसाइड फंक्शन पावर है, अंदर वाला ये पूरा चीज है ना। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा हाफ, फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव, एक्स की जगह पे तो इसको ही ले लेंगे, हाफ माइनस वन। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, जो फोर एक्स बाई क्यू माइनस फाइव है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करेंगे। फोर तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्स क्यूब का आपका थ्री एक्स स्क्वायर होता है, माइनस फाइव का ओके सर ओके, मुझे गलती दिख गई, करेंगे तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये हो गया आउटसाइड का, इनसाइड का आपका ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका, है ना, कि भाई आउटसाइड फंक्शन का तो एन एक्स एन माइनस वन से हो गया, और इनसाइड जो ये था इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर फाइव का जीरो हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा आपका, सिक्स इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव माइनस हाफ, है ना, एक्स स्क्वायर भी होगा यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट, सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो सी ऑप्शन इसका सही है, सॉरी सी नहीं डी सही हो, क्योंकि सी में पावर हाफ है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें पावर माइनस हाफ है ना। तो ऐसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, है ना, कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड को इनसाइड से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल यू विल गेट योर आंसर, है ना। चलो हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मेनी आंसर आई गॉट। हाँ, राहुल, आयुष कुमार एंड अश्मिता, योर आंसर इज करेक्ट। नव्या सही आपका। अश्मिता, दिवस्मिता, आपका आंसर सही है। दिवस्मिता पहले तो पहले आपके आंसर सही था, तो हो सकता कोई दूसरा देखा होगा मैंने। देवश रितिका सही है आपका आंसर। सही है, काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, है ना। तो जो आंसर सही है दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। खुशी कुमारी सही है, अंजलि कुमारी सही है, आपका आंसर है ना सही है, डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं सोचना है, मैं तो यहीं पे कर लूंगा। साइन लॉग एक्स है तो आउटसाइड साइन है, इनसाइड लॉग एक्स है, तो साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस लॉग एक्स में, एलन एक्स में। लेकिन आपको पता है इनसाइड फंक्शन लॉग एक्स को मल्टीप्लाई भी करता है, तो लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन बाई एक्स होता है, तो इंटू वन बाई एक्स लिया गया, तो आपका जो आंसर आ गया कॉस ऑफ एलन एक्स बाई एक्स आ गया। तो डी फॉर डेली ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। तो ये जस्ट हमने इसमें कुछ चीज़ें डिफाइन की, है ना। रेस्ट क्वेश्चन आप मुझसे सॉल्व करोगे, है ना, ये सारे मॉड्यूल के ही थे, आज मुझे कहीं बाहर के क्वेश्चन मिले नहीं तो मैंने मॉड्यूल के ही ले लिया, है ना। आप देखोगे आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से लेवल वन में, ये सारे क्वेश्चन लेवल वन के, है ना, कि लेवल वन ऑफ मॉड्यूल, है ना। तो और भी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। तो आज जो हमने पढ़ा सारे रूल्स पढ़ लिए, है ना, कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिए। अब मेन चीज़ नेक्स्ट क्लास में आएगी कि भाई ये डिफरेंशिएशन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स, ये हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, जैसे आपने डिफरेंशियल पढ़ा है वैसे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका इंटीग्रल कैलकुलस आ जाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे अपने मॉड्यूल में से, मैं क्वेश्चन तो शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चंस तो नॉर्मल आपको पूरे ही करने हैं। ये चैप्टर है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एरर एनालिसिस एंड कैलकुलस, पेज नंबर 1 से लेके 71 तक, है ना, कि पेज नंबर 1 से लेके 71 तक। तो अभी आपको जो इसको पढ़ना है फ्रॉम पेज नंबर 1 to 29 पढ़ना है ना, कि इसको जो आपका पढ़ना है मॉड्यूल से, है ना, दैट इज द पेज नंबर 1 से लेके 29 तक। पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो इसमें थ्योरी कवर हो जाएगी, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, फिर सीधे आप एक्सरसाइज पे आ जाना, है ना। और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको आप अटेंड करो, है ना, कि भाई पहले लेवल 1 पे आ जाओ, है ना। तो लेवल 1 में ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली लेवल 2 का है सर, हाँ ये लेवल 2 का है, है ना। पहले आप लेवल 1 पे आ जाओ, तो लेवल 1 पे तो कोई कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं है, तो लेवल 1 तो पूरा कर सकते हो आप उसमें, लेवल 1, एंड उसके बाद आप लेवल 2 पे आ जाओ, लेवल 2 भी पूरा कर सकते हो आप इसे। लेवल 2 में इंटीग्रेशन बस छोड़ देना आप, है ना, लेवल 1 और लेवल 2 पूरा अटेम्प्ट कर लो। फिर लेवल 1 लेवल 2 के बाद इसमें आ जाता है एसेसन रीजनिंग, वो भी करना है आपने। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो चूंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कैलकुलस नहीं होंगे, ये कैलकुलस तो एक टूल है ना, ये कोई टॉपिक थोड़ी है, ये तो फिजिक्स पढ़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, है ना, इसलिए वो उसके क्वेश्चंस नहीं आते कैलकुलस के। वेक्टर के आते हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं उस सिलेबस में है, कैलकुलस तो जस्ट फिजिक्स पढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, कि कैलकुलस आना चाहिए तभी आपको फिजिक्स आएगी, है ना। तो ये पूरा करना है आपको, पेज नंबर 1 से लेके पूरा 71 तक आपको दिया हुआ है, तो उसमें इंटीग्रेशन छोड़ के सारा कुछ आप कर लो, है ना, कि 1 से 71 में ये लिख देता हूँ कि भाई आपको जो अटेम्प्ट करना है 1 to 71 तक करना है, पेज नंबर 1 to 71 एक्सेप्ट इंटीग्रेशन। बस जहां पे ये इंटीग्रेशन का साइन बना होगा ना इस तरह से, उसको छोड़ देना, बाकी सारा आप अटेंड कर लेना, और जो भी डाउट्स होते हैं सेंड इन द डाउट ग्रुप। तो जो भी कोई स्टूडेंट्स बता देगा तो ठीक है, नहीं तो जो भी आपकी कमिंग क्लास होगी आई विल एक्सप्लेन इन दोस। तो यही चीज आप फॉलो करो, है ना, अल्टीमेटली आपका नीट में रैंक सिक्योर है, है ना, कि अगर सिस्टमेटिकली ऐसे पढ़ते जाओगे ना तो अल्टीमेटली रैंक आ ही जाएगी, क्योंकि फिजिक्स पढ़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायो के स्टूडेंट जो होते हैं उनके बायो अच्छी होती है, केमिस्ट्री भी थोड़ा सा याद करने वाला ज़्यादा है तो बच्चे कर लेते हैं, फिजिक्स थोड़ा सा डेवलप करना होता है, वो टाइम के साथ ही डेवलप होती है, कोई ऐसा नहीं कि 2 दिन में डेवलप हो जाएगी, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, और फिर फिजिक्स में भी सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।